जोशीमठ में आज से मकान गिराए जा सकते हैं जिनमें दरारें आ गई हैं, जिन्हें रहने के लिए खतरनाक घोषित किया हुआ है। कल हमने देखा कि होटल मालिकों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद यहां पर होटल्स और मकानों को तोड़ने का जो काम है वो रोक दिया गया था। आज भी स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं और पहले मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। उनके कह रहे हैं उनका घर है, होटल है, तमाम रोजगार उनसे अगर छिन जाएगा तो वो क्या करेंगे। ऐसे में पहले सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जिसके चलते ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन ने उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया और विरोध के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की जगह हाथों से मकान तोड़ने का फैसला लिया। प्रशासन अब एक बार में पूरा मुआवजा देने की योजना बना रहा है। इससे पहले कल भी जोशीमठ के लोगों ने मुख्यमंत्री और डीएम के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक महीने का वेतन जोशीमठ राहत कोष में दिया है। हमारी डिमांड ये है, जो हजारों हजारों लोग बेघर हो गए, सड़क पे आ गए, लाचार हैं, उनके घर में छत नहीं है उनके सर के ऊपर, सभी लोगों को बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तर्ज पे सेटलमेंट हमारा कर दिया जाए, तभी यही हमारा शर्त है। हम तो बोल रहे हैं हर घर की मेजरमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से सेटलमेंट होना चाहिए। और जो मैं बेरोजगार हो रहा हूँ, जो मैं कमाता था पर मंथ, उसकी भरपाई कर दे। हमने अपनी जान हथेली में रखी, अपने रिश्तेदारों का भी जान हथेली में रखे। रात भर ठंड में बीमार आदमी है, सब ऐसे रहे, अब क्या करें, नहीं रह गए। हमने जाना भी कहाँ जाना, हमारी मांग पूरी नहीं कर रही सरकार, हमको हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जोशीमठ में हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपकी हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि रोक के बावजूद किस तरह से रात में ही जोशीमठ में पहाड़ों का कटाव और तोड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आज की स्थिति क्या है, जो स्थानीय लोग वहां विरोध कर रहे हैं, क्या ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है क्या आज वो शुरू होगी या प्रशासन क्या कह रहा है? फिलहाल करंट स्थिति, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए जो तस्वीरें दिखाते हैं हम, माउंट व्यू और मलारी होटल हैं वहां पर मौजूद हैं। और यहां देखिए कल सुबह से जो स्थानीय महिलाएं हैं, यहां रहने वाले लोग हैं, ये धरने पर बैठे हुए हैं। रात भर वो ऐसे ही बैठे रहे। इनका कहना है कि ध्वस्तीकरण नहीं होने देंगे जब तक इन्हें कॉम्पनसेशन और रीसेटलमेंट प्लान, वन सेटलमेंट प्लान नहीं बता दिया जाता है। पहले महिलाओं से बात करेंगे, फिर हम यहाँ होटल के जो मालिक हैं, जिनके होटल ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, वो उनसे भी बात करेंगे। और आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण बुलडोजर से बिल्कुल नहीं किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से मैनुअली, यानी जो मजदूरों द्वारा छेनी हथौड़ी से कराया जाएगा। कल सीबीआरआई की टीम, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम यहां पर आई थी और उसने सर्वे किया है और यही बताया कि पहले ऊपरी माला तोड़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब ये तो रही बात कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा, मजदूरों से गिराया जाएगा बिल्डिंग, लेकिन तब गिराया जाएगा जब ये लोग यहाँ पर संतुष्ट होंगे और यहाँ से हटेंगे। ये लोग क्यों संतुष्ट नहीं है इनसे पूछते हैं। आपका नाम बताइए। बाली देवी, जेलम। आप जेलम, आप लोग रात कल सुबह से यहीं बैठे हैं, रात भर ऐसे ही सो रहे थे, ये बताइए कि आप क्या समस्या है, क्या आप सरकार क्या कह रही है आपसे? ठंडा का मौसम था और उनके कारण परेशानी हुई, कभी उन्होंने हम देखे नहीं रहा, कभी हम देखे नहीं बात। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका नाम बताइए। कल्पेश्वरी राणा। कल्पेश्वरी जी, आप लोग यहाँ बैठे हैं रात से बिल्कुल ठंड में, 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर भी रात में हो गया, क्या कह रही है सरकार, आप लोगों की क्या परेशानी है अभी? परेशानी तो आप देख ही रहे, कल सुबह से हम यहाँ बिना खाए पिए, कोई बीमार है कोई कुछ है, ऐसी बैठ रहे कि सरकार हमारा कोई सुन भी नहीं रहा। अपने मन मर्जी से उन्होंने होटल तोड़ने का आदेश दे दिया। कल से कितने सारे आ रखे NDRF के सब लोग, तब हम दौड़े दौड़े, हमको तो लोगों की उनसे पता चला कि तुम्हारा होटल तोड़ने वाले है। ये आपका होटल है, न आदेश दिया न कोई आदमी आया यहाँ, अपनी मन मर्जी से वो अपने हिसाब से तोड़ने के चक्कर में हम यहाँ रात भर भी ठंड में बीमार लोग, ये सब मेरे बहने सब यहाँ हम बैठ रहे कल रात से बैठे हुए हैं। ये आपका होटल है, कितने साल से है ये होटल यहाँ? 2011 में हुआ, 2011 से होटल। अभी सरकार कह रही है बुलडोजर नहीं चलाएंगे, क्या आप लोग मांग करें कि पहले मुआवजा बताया जाए कि कितना मुआवजा देंगे? मांगे क्या है आप लोगों की? वही जो हमारा प्रॉपर्टी का नुकसान हो रखा है, वो बद्रीनाथ के तर्ज से हमको विस्थापित कर दे, बस यही हमारी मांग है। हमको कोई शौक नहीं अपनी जिंदगी, अपनी माँ बहनों को यहाँ मारने लाने के लिए, बस।
अच्छा। वो हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम इसको जो कर दे करो हम बस। ठीक है। और यहाँ पर एक होटल के मालिक भी हैं जिनका होटल टूटना है, नवनीत सती। नवनीत थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। नवनीत आपका कौन सा होटल है? मेरा सामने ये होटल नेचर इन रिट्रीट। आपका भी होटल इस डेंजर जोन में है, इसको भी तोड़ने के आदेश दिए गए हैं जी। अभी हमें तोड़ने के आदेश हमें रिटर्न में नहीं आए हैं, लेकिन इवैक्यूएशन करने के लिए बताया है, पर आज नहीं तो कल तोड़ा जाएगा। और हम डिमोलिशन के खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे हैं जब माणा में बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान लागू हुआ, जो नीति कंपनसेशन की वहाँ पे लागू हुई है, उसमें हमें भी सेम नीति से कंपनसेट किया जाए, क्योंकि घर जमीन हम युवा हैं, पहाड़ के लोग हैं, हम दोबारा बना लेंगे। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार की, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, उनकी फीस कहाँ से आएगी, ये समस्या भी एक है। और हमारा एक डेलीगेशन गया है अभी डीएम साहब के साथ मीटिंग करने, होपफुली मीटिंग में कुछ। कल भी मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग में ये तो तय हो गया था कि अभी ऐसे ध्वस्तीकरण अचानक से नहीं कर देंगे, बुलडोजर से नहीं ढहा देंगे। कल मीटिंग में थे आप, तो क्या चर्चा हुई मीटिंग में? मीटिंग में ये हुआ था कि आज सुबह से कार्रवाई शुरू होगी और एकदम से नहीं होगा, चरणबद्ध तरीके से इसे तोड़ा जाएगा। लेकिन कल रात अचानक से फिर एसडीआरएफ का घुसना और एकदम से जब आज के लिए बोला था, तो फिर रात भर प्रोटेस्ट किया और रात भर हम बैठे रहे कि कम से कम जो आप आश्वासन दे रहे हैं वो लिखित में दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो अभी मुआवजे का कुछ निर्धारण हुआ? नहीं, अभी कोई निर्धारण नहीं हुआ है। तो मीटिंग चल रही है? मीटिंग चल रही है। ठीक है, तो आपको देखेंगे यहाँ एसडीआरएफ की टीमें आपको नजर आएंगी जया, और हम ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे यहाँ से कि क्यों इन होटल्स का ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए गए हैं। आप देखिए ये जो होटल है मलारी इन, ये टिल्ट होकर के, ये झुक करके बगल वाला जो होटल है माउंट व्यू उसके ऊपर आ गया है। देखिए पूरी आपको नजर आएगी ये बिल्डिंग जो है, ये इस होटल बगल वाले होटल में के आके उसके ऊपर लग गया है, और इसीलिए दोनों होटल्स को तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। बगल में होटल माउंट व्यू है और बगल में मलारी इन, दोनों होटल्स को ही तोड़ना है।